विकास के लिए डिडवाना में कई काम किए जाते हैं, और आपको जानकारी दें कि ये जमीनी स्तर पर कितना काम आते हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे ही शहर में स्थायी सब्जी मंडी का अभाव है, इस कारण सब्जी विक्रेता सड़कों पर घूमकर ठेलों पर सब्जियां बेचने के लिए मजबूर हैं। इसके चलते यातायात व्यवस्था में बाधा आती है। इस परेशानी से निपटारे के लिए पूर्ववर्ती बोर्ड द्वारा SBI बैंक के पास सब्जी मंडी का निर्माण किया गया था। करीब 7 साल पहले 60 लाख रुपए की लागत से यह नई सब्जी मंडी का निर्माण कराया गया, लेकिन निर्माण के बाद से अब तक यहाँ दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। और तो और, सब्जी मंडी कचरा घर बनकर रह चुकी है। रात में नशेड़ियों की महफिल यहाँ पर जमती है। डीडवाना नगर परिषद की ओर से कुछ सालों पूर्व शहर के भगत सिंह सर्किल के पास SBI बैंक के पीछे सब्जी मंडी का निर्माण किया गया था, ताकि जो सड़कों पर ठेले खड़े होते हैं और जिनसे यातायात प्रभावित होता है, उससे निजात दिलाने के लिए सब्जी मंडी का निर्माण किया गया था। लेकिन लगभग 7 से 8 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक सब्जी मंडी में दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है, जिसके कारण सब्जी मंडी कचरा घर बनकर रह गई है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है। इस सब्जी मंडी में चारों तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहाँ आवारा और लावारिस जानवर आकर गंदगी फैलाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि शाम के समय यह सब्जी मंडी नशेड़ियों का अड्डा बन जाती है। यहाँ कुछ बोतलें पड़ी हुई है जो शराब की बोतलें हैं। शाम के समय यहाँ नशेड़ी और जो नशा करने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और उनकी यहाँ महफिलें जमती है। इसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र जो है गंदगी के ढेर के अलावा नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। यहाँ ये दरवाजे भी आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और दीवारें भी सब्जी मंडी की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यानी कुल मिलाकर के सब्जी मंडी का जब से निर्माण हुआ है तब से इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, उल्टा सब्जी मंडी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। तो जहां एक और मामले को लेकर विपक्ष के पार्षद नगर परिषद पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के उपसभापति बाबू खान बेगाना का कहना है कि सब्जी मंडी को कई बार शुरू करवाने का प्रयास किया गया, इसके लिए सब्जी विक्रेताओं से आवेदन भी मांगे, लेकिन सब्जी विक्रेता खुद सब्जी मंडी में नहीं आना चाहते। पिछले बोर्ड में ये सब्जी मंडी डीडवाना में बनी थी, उसका किसी कारणवश लेट हो गए, उसका आवंटन नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्तमान बोर्ड में विपक्ष में रहते हुए मैंने सदन में हर बार ये विषय उठाया कि सब्जी मंडी को सब्जी विक्रेता ये जो कार्य करने वाले हैं उनको आवंटित किया जाना चाहिए। बोर्ड की उदासीनता रही कि इसको आवंटित नहीं कर पाए। नगर पालिका बोर्ड की क्या लापरवाही? नहीं, नगर पालिका वर्तमान बोर्ड की लापरवाही है। मैंने मेरे विपक्ष में जितनी मैंने प्रयास करने थे उतने प्रयास किए और हर सदन में ये विषय उठाया कि भाई इसको काम में लिया जाए। 60 लाख रुपए की लागत नगर पालिका की लगी हुई है और इसको आवंटित किया जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड की उदासीनता रही। वर्तमान जो उस समय में विधायक थे उनकी भी उदासीनता रही, क्योंकि ये माननीय यूनुस खान साहब जब विधायक थे तब इस बोर्ड ये बना था। अभी माननीय विधायक मोदी से भी यूनुस खान साहब से हमने आग्रह किया है, लेकिन जो ही कोशिश करते हैं बोर्ड में इस बैठक में अगली बैठक में इसका समाधान निकलवाए। नगर परिषद द्वारा कई मर्तबा इन सब्जी वालों से ठेले वालों से एप्लीकेशन मांगी गई, शुरू शुरू में कईयों ने दी, फिर उनको बुलाया तो ये लोग वहाँ, दरअसल वास्तविकता ये कि ये वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं। अब क्या कार्रवाई नहीं दिया करेंगे, नहीं जाते? अब कार्रवाई तो बैठ के बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड करेंगे भाई, अभी अगर सब्जी मंडी यहाँ नहीं आते हैं पब्लिक तो इसका क्या करना चाहिए। मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा वो करेंगे। तो सब्जी मंडी में गंदगी और कचरे के कारण आसपास के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है। सब्जी मंडी के पास एक मंदिर भी स्थित है जहां रोज श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें गंदगी के चलते परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस पूरे मामले को लेकर लोगों का क्या कहना है और उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मेरे सहयोगी जहीर अब्बास उस्मानी ने ग्राउंड पर जाकर बातचीत की है, रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। आप देख सकते हैं ये कचरा पड़ा है सब्जी मंडी में,
और चारों ओर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आवारा और लावारिस जानवर कचरे को फैलाते रहते हैं। कई बार यहाँ जानवरों की मौत भी हो जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध और सड़ांध फैल जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये कुछ दुकानें हैं जो जर्जर और खस्ता हालत में पड़ी है। दुकानों के अंदर कचरा पड़ा है। कई स्थानों पर तो जो दुकानों के दरवाजे थे वो भी चोर चोरी करके ले गए हैं। साथ ही रात के समय यहाँ असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है। असामाजिक तत्व यहाँ रात में शराब और नशा करके हुड़दंग मचाते रहते हैं और अनैतिक कार्य करते रहते हैं। इसकी वजह से आसपास के लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें इन्हें होती है इस सब्जी मंडी में अनैतिक कार्यों से। क्या कहेंगे, ये सब्जी मंडी का निर्माण कब किया गया था, किस तरह की दिक्कतें होती है? देखिए, ये सब्जी मंडी का निर्माण कब किया गया वो तारीख तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये सब्जी मंडी इसलिए बनाई गई थी कि भाई सब्जी मंडी बाजार से आ जाएंगे तो बाजार के ठेले वगैरह सब होने से रोड पे ये व्यवस्था नहीं फैलेगी। लेकिन सब्जी मंडी तो दूर की बात, यहाँ तो इतना कचरा पात्र कर दिया कि आए दिन तो बीमारी फैलती है और सब्जी मंडी की आड़ में ये कचरा होने से कई लोग बीमार भी होते हैं। पास ही अपना मंदिर है भैरू जी का, तो इस भैरू जी के मंदिर में आवागमन में भी परेशानी होती है, कोई जानवर मर जाता है और मर जाता है, और रात को 8 बजे बाद में कई लोग यहाँ दारू पीते हैं और पीते हैं, मतलब अव्यवस्था पूरी फैली हुई है। तो अब या तो अपना तो यही कहना है कि इसकी साफ सफाई की जाए, इसको या तो सब्जी मंडी बनाया जाए, नहीं यहाँ इसको इस हिसाब से ली जाए कि यहाँ साफ सफाई रहे, कचरा यहाँ नहीं फैले, बीमारी यहाँ नहीं फैले, सबको किसी को असुविधा नहीं हो। और ये सब काम जिस टाइम पर यूनिस खान खुद यहाँ के कैबिनेट मंत्री था उस टाइम पर उन्होंने भैया बनाया और आज उन्होंने बना के छोड़ दिया, इसको वापस संभाला नहीं। इसकी दुर्दशा ये है कि आज ये अपन गली मोहल्ले वाले सब परेशान हो रहे हैं और आवागमन में यहाँ मंदिर वाले सब परेशान होते हैं और जितने भी जानवर है वो यहाँ आते हैं खाने के लिए तो उनको थैलियां मिलती है, थैली खा खा के कई गायें भी मरती है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ एक टोकड़िया भी मर गया था तो उसका भी कोई निर्माण नहीं हुआ, तो आगे नगर परिषद में जब बोला गया तो वहां से वो आए और साफ सफाई करके ले गए। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, सरकार से यही कहना है कि हो सके जितनी जल्दी इसकी साफ सफाई कराई जाए, ये मिटाई जाए, जनता आक्रोश में है। आप क्या कहेंगे, यहाँ रात में सूचना ऐसी है कि यहाँ रात में असामाजिक तत्व उत्पात मचाते हैं, उड़दंग मचाते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ जो नहीं होने वाले कार्यक्रम है वो सारे काम होते हैं, जैसे दारू पीना, जुआ खेलना, ये सारे काम यहाँ होते हैं। और ये जबकि ये सामुदायिक भवन की जगह थी, इसे पता नहीं कैसे नेता लोगों ने इसको सब्जी मंडी का रूप दे दिया, लेकिन जब से ये सब्जी मंडी हुई है तो ये सब्जी मंडी तो रही नहीं, ये हो गई कचरा मंडी, या ये कह दो कि ये 2 नंबर की जगह बन के रह गई। और यहाँ पास में भैरू जी का मंदिर है, जहाँ आसपास के गांवों से बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं, उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम गली मोहल्ले वाले को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मैं यही कहूँगा अब आपसे ज़्यादा नहीं बोल के कि इस या तो इसको सब्जी मंडी का रूप दिया जाए या इसको कोई भवन बना दिया जाए सामुदायिक, ताकि वो सभी वर्गों में काम आए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। ये सब्जी मंडी बना के ये जगह ही की भरपाई की है, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ पैसा वगैरह लोग करते हैं और ये आवारा पशु यहाँ पे फिरते रहते हैं, गंदगी बहुत सारी गंदगी पड़ी है और ये दिक्कत है। ये सब्जी मार्केट में ये ठेले वाले हैं इधर उधर घूमते, इससे अच्छा एक जगह आके बैठ जाए तो यहाँ की जगह भी साफ सुथरी हो जाएगी और उनको भी परेशानी नहीं होती है, नहीं उनको बार बार पुलिस प्रशासन बार बार परेशान करती है इधर से उधर, कभी उनकी तराजू वगैरह उठा के लेके चली जाती है, कभी कुछ कभी डंडे मारती है, इससे अच्छा है यहाँ के बैठ जाए अपने, कहाँ दिक्कत है। और ये सब्जी मार्केट चालू हो जाने से यहाँ से कम 95 है, यहाँ पे 95 बस्ते लग जाएंगे तो एक तरह की तो कम से कम 95 बस्ते वालों को तो अपना आसरा मिलेगा ना कमाने खाने का। तो ये थे डीडवाना के लोग जिनका यह कहना है कि सब्जी मंडी को या तो शुरू किया जाए ताकि इसका सही ढंग से सदुपयोग हो और इसकी साफ सफाई भी की जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को या आसपास के लोगों को गंदगी से राहत मिले, निजात मिले, साथ ही जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं उनको भी राहत मिले। इसके अलावा
यहाँ जो रात को अनैतिक काम होते हैं, जो शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, उन पर भी लोगों ने कार्रवाई की मांग की है।